सुंदर ऋषिपाल की है श्रोताओं को आस। ऐलान हुआ किस समय में हिरण्यकश्यप राजा
रास्ते तो अनेक पर स्थान एक है, रास्ते तो अनेक पर स्थान एक है, कोटानुकोट भक्त हैं पर भगवान एक है। प्रेमी सजनों, जिसके नाम उच्चार से मन होता सहलाद, रंगभूमि में प्रकट हो गए आज वही प्रहलाद। जो हो के निराकार नराकार हो गए, नर ही नहीं नरसिंह का अवतार हो गए। सजनों, हम आज उसी भक्त का नाटक सुनाएंगे, हम आज उसी भक्त का किस्सा सुनाएंगे जिसके लिए सरकार भी साकार हो गई। सजनों, प्रहलाद हिरण्यकश्यप के लाडले जब 5 वर्ष के हो गए तो स्कूल में पढ़ाने के लिए बिठा दिए। सजनों, थोड़े ही दिन हुए थे स्कूल जाते जाते कि अचानक एक दिन रास्ते में जब प्रहलाद स्कूल के लिए जा रहे थे घर से, तो दोस्तों एक कुम्हारी जिसका नाम मंझारी था, उसने धोखे से भूल से अपने पालतू बिल्ली के 2 मासूम बच्चे घड़े में यानी मटके में रख दिए। और वो कच्चा मटका जब उसने अपना आवा लगाया तो उस आवे में भूल से वो बिल्ली के बच्चों वाला मटका भी आज तो अपने आवे में लगा दिया। सजनों, आवा गरम हो गया, अब तो कुम्हारी को बाद में याद आई, हाय परमात्मा, हाय कुदरत, मैंने क्या कर दिया, मैंने मासूम 2 प्यारे बच्चे जो कच्चे माट में थे, मैंने आज उस माट को अपने आवा में लगा दिया। सुन हो गया, भगवान मेरी रक्षा करो, इन दोनों जीवों को बचाओ, तू रग रग में व्यापक है। प्रेमी सजनों, किस तरह से तुम्हारी परमपिता परमात्मा को याद कर रही है और रास्ते में प्रहलाद आ रहे हैं, उन्हें ये बोल जरूर सुनाई देगा। बसा बसाया जगत आपका, आप चमनता लाली, बसा बसाया जगत आपका, आप चमनता लाली, तू ही जगत का रचने आला, तू ही जगत का पाली, बसा बसाया जगत आपका। सबकी लाज बचाने आला, ना भेद किसे न पाया से, इस संसार के हेरा रा 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 रा, इस संसार के बंधन की खुद तेरे हाथ में ताली, बसा बसाया जगत आपका, आप चमन का माली।
काड़ा से हर नंदी का भात भराया थे नरसी का गढ़वाला से गोपती का चीर बढ़ाया सरते खेलन राड़ा से मीरा जी का साथ दिया कनकरा जीत में पाला से करती रो रही और रोने चिल्लाने की आवाज प्रहलाद के कानों में पहुंच गई। प्रहलाद ने बूढ़ी मैया के पास जाकर के बूझना शुरू कर दिया। बूढ़ी मैया, सही है भैया, क्यों रो रही हूं?
तो बहुत बड़ा गजब हो गया। बताना सारे भेद को। सुनिए, सिसक सिसक के क्यों रोबे, के दुख से बूढ़ी माई। सिसक सिसक के, सिसक सिसक के क्यों रोबे, के दुख से बूढ़ी माई। तरस देख के रोती, मत रो बूटी मैया। भूल हुई मेरे आता, अपराध हुआ से भैया। जो कुछ मेरे बस की हो मैया, बन जाऊं खिबैया। जीव जला दिए मैया, भेद बुझना चाहता। मना रही परमेश्वर को जो जग का भाग्य विधाता। किसने मना रही मैया मेरी, नहीं समझ मेरी आता। सबका दाता बुढ़ी माँ के याद पिता की आई। पिता नहीं करेगा कुछ भी, बस मदद करेगा गुनाई। पिता मेरा मैया से मेरा पिता रुखारी। बड़ा भूल में कमर जगत का और कोई रखवाली। मैया मेरा पिता ही करता सबकी देखा भारी। दुनिया का मां अकल मेरी चकराई। वाहे मालिक बेटा दुनिया जिसने ये है बनाई।
गोन्या गुंजास मन से उस कुदरत की आशा देता सारे मास होने से घर आवे मैं बच्चे बच गए हो विश्वास मन से पाल की ख्वास मने जो रोज करे कब ताई चमत्कार तू देख लिए करा तेरा पार कनाई सिसक सिसक के क्यों रोबे सिसक सिसक के क्यों रोबे के दुख सबू भी माई प्रहलाद ने पूछा मैया अगर तू मेरे पिता को भगवान नहीं मान रही है तो दूसरा कौन है इस दुनिया का माली इस दुनिया का पालने वाला बूढ़ी मैया ने बताया बेटा तू अभी बच्चा है जानता नहीं बेटा परम पिता परमात्मा तू दिखाई नहीं देता है और जब जब अधर्म होता है जब जब पाप बढ़ता है तो जब अपना वो देह रूप धारण करता है बेटे कुछ क्षण के लिए कुछ समय के लिए भगवान कोई दूसरी चीज है कुछ जानता है आत्मा जो निराकार उधर प्रहलाद कुमारी बूढ़ी मैया से लड़ने के लिए तैयार हो गए कहने लगे बूढ़ी माँ अगर तू मेरे पिता को नहीं मनाएगी मेरे पिता को भगवान नहीं मानेगी तो तेरे बच्चे बच्चे को कोल्हू में पिलवा दिया जाएगा तू बच नहीं सकती तुझे कारागार में डलवा दिया जाएगा बहुत बड़ी सजा मिलेगी लेकिन कुम्हारी क्यों मानती उसका तो दृढ़ विश्वास परम पिता परमात्मा था सजनों बहस हो गई कि अगर बिल्ली के बच्चे बच गए इस आवे के अंदर तो तेरी बात सही होगी अगर वो बच्चे नहीं तो तुझे कारागार में डाल दिया जाएगा और देखना तेरा क्या होगा सोच रही है लड़ पड़ी जगदीश में युवराज से अभिमान में लड़ पड़ी जगदीश में युवराज से अभिमान में पड़ रही है क्या तुम्हारी भी ये भनक कान में हो दयादासी के इस विश्वास वाले काम पर जान की बाजी लगाती है तुम्हारे नाम पर सजनों किस तरह से फैसला किया प्रहलाद ने तुम्हारी मेरी बात सुन ले और इन दोनों का ढंग देख के पाछे बात बेचारी जागीरी इन दोनों का ढंग देख के पाछे बात बेचारी जागीरी जरा बच्चे मर गए ते फिर जेल मुसीबत बारी जागीरी इन दोनों का ढंग देख के पाछे बात बेचारी जागीरी बात बेचारी
जगदीश है।
अब ज्ञान में जगदीश है और ध्यान में जगदीश है, हर श्वास में हर तार में जगदीश है। जीवन हो या मरण सभी जगदीश पर बलहार है, जगदीश में यह प्राण है और प्राण में जगदीश है। फिर क्या, 12 साल हो गए इस बैराग में प्रहलाद, उसका एक मित्र प्रमोद भी था साथ। 12 साल के बाद घूमते घूमते प्रहलाद अपनी राजधानी अपने राजमहल की ओर आ रहे। बुझा बेटे तुम कहां से आए हो? इस तरह से प्रहलाद सारी बात बताता है। पिताजी क्या बुझोगे, अब तो मैंने परमात्मा के नाम पर ध्यान लगाया है, अब तो मेरे दिमाग में परमात्मा ही परमात्मा है। पिताजी कहिए प्रहलाद इतना समय तुमने कहां लगा दिया? ये तो सारी बातें बताऊंगा ही, क्या तुम्हें कुछ कहना है? जी हाँ कहिए। और कहां रहा प्रहलाद कहां तुमने इतना टाइम बिताया? सही बताओ। सही बता दे हाँ प्रहलाद। 12 महीने परमेश्वर के ढाल में टेम गमाया। कहाँ रहा प्रहलाद कहाँ तने इतना टेम बिताया? 12 महीने परमेश्वर के ढाल में टेम लगाया। लाड़ लड़ाया कौन बाप और कौन बेटा, पिता मन थारा प्रहलाद। दिख मैं सुन बाप तेरा बेकारी, तुम औलाद से मेरी झूठी मोहमाया ममता जग में माटी की ढेरी। के पागलपन हो रहा क्यों करे अकल बिगड़ रही तेरी। जन्म देनिया पिता हो बस मैं न्यू चरणों का क्या आगे अंधेरी सब कुछ प्रहलाद भुलाया। 12 महीने के भीतर मन आत्म ज्ञान ही पाया। पिताजी कहिए प्रहलाद, अगर सही सही बुझोगे तो मुझे उस परम पिता परमात्मा की शक्ति का उसकी माया का कुछ ज्ञान हो गया है। लेकिन बेटे प्रहलाद हमारी राजधानी में तो कोई उस परम पिता परमेश्वर का नाम ही नहीं लेता। मेरा नाम लेता है, यहाँ तो मेरा नाम पूछता है प्रहलाद। तुम पाखंडी और मूर्ख हो पिता। अच्छा कैसा तुम ज्ञान बता मेरे बेटे आज्ञाकारी। दोबारा कहियो। अच्छा कैसा तुम ज्ञान बता मेरे बेटे आज्ञाकारी। आत्म ही परमात्म है पिता, अकल कहा गई था ज्ञान सिखागी मने पिताजी मेरी गुरु कुमारी।
पकड़े रहे से किसने लाल भकाया। परमेश्वर की परम भगतनी ने यो ज्ञान सिखाया। इस भगतनी का भी नाम बुझना देखे पहला, वो इतनी बड़ी कौन भगतनी है? पिताजी चक्कर में पड़ जाओगे। अच्छा भूल जाओगे, अभी तुम अज्ञान हो, अभिमान में सब कुछ भूल रहे हो। तुम्हें मेरे आगे झुकना पड़ेगा। और कहो वो कहां तुम्हारी रहे पाल खदाना। जाना पड़े कहीं मन ने दुष्टों का करूं सफाया। दया धर्म ने धारण कर लो झूठी काया माया। कहां रहा पहला जो कहा तने इतना टाइम बिताया। बारह महीने परमेश्वर के नाम में टाइम तुम अधर्मी और पाखंडी। अच्छा सच्चा भक्त हो भगवान का। प्रेमी सजनों, राजा हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद से बड़ी गहराई से बूझा, लेकिन प्रह्लाद ने राम नाम को ऊंचा बताया, अपने पिता को भगवान मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। प्रह्लाद कुछ आ गया, हिरण्यकश्यप को कहने लगा, दुष्ट प्रह्लाद मेरी बात सुन ले, मेरी आज्ञा से ही सूरज छिपता निकलता है, मेरी आज्ञा से ही सूरज छिपता निकलता है, मेरे संकेत पर ही बादल से जल बरसता है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही शंकर कहाया हूं, मैं ही त्रिलोक में इन तीनों रूपों में समाया हूं, समझे? मैं ही भगवान प्रह्लाद। और अध्यापक को बुलवाया इस स्कूल में, प्रह्लाद 12 महीने पहले बैठाया था। ए पांडे जी, इस मूर्ख और पाखंडी नालायक प्रह्लाद को विद्यालय में जाकर के सिखाओ कि भगवान कौन है, दुनिया का मालिक कौन है। बहुत अच्छे महाराज, हम आपको बताएंगे। और मेरे प्रति विश्वास पैदा करो इसके दिल में। ठीक है। मैंने सजनों, उधर तो प्रह्लाद को स्कूल में भेज दिया, लेकिन कहां प्रह्लाद, हिरण्यकश्यप के नाम को रखता था, उसे तो भगवान ही भगवान सोच रहा है, उसके दिल और दिमाग में भगवान का नाम समाया हुआ है। उधर जब बुरा वक्त आता है दोस्तों, बुद्धि बिगड़ जाती है, हिरण्यकश्यप की बुद्धि बिगड़ चुकी, उसने महिलाओं को परेशान करना और किसानों को तंग करना शुरू कर दिया, और जब किसानों ने कहा तो कहा है जानवरों, क्या बात, तो किस तरह से किसानों ने कहा, तुझे आदत पड़ी जगदीश कहने और कहने की, तुझे आदत पड़ी जगदीश कहने और कहने की, बनाई जिंदगी बस खेलने की और खाने की, उधर अंबार दौलत का इधर है फिक्र दोनों की, खबर भी है तुझे जालिम दुखी दुर्बल किसानों की। दोस्तों फिर क्या था, उसने फिर खबर भेजी, हाल पूछिए प्रह्लाद का, प्रह्लाद क्या कर रहे हैं। दोस्तों प्रह्लाद क्या कर रहे थे सुन लीजिए जरा। और हम सब मिले के राम रटेंगे सही रे बात के, नहीं रे हटेंगे नाम धर्म पे, ठीक डटेंगे देव।
के सारे काट जा रे 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 हे रे 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 Hey!
हे सात सारे सात सारे गई तन की जब दर्शन पाए बिहारी के उस रूप की भीख में नैना ये बासन बन गए भिखारी के सब पाप कटे जब पाप जपे भयहारी के हो गया पुजारी ठाकुर का ठाकुर हो गए पुजारी के। धमकाते हुए मास्टर यूं कहने लगा प्रहला सुन ले अरे साधना योग तपोबल भाई परम से मिला करे से हे बेटा बेटी मात पिता के कहे में चला करे से तन्हा पेट की होया करे जो निकले मुख से बाणी ध्यान लगा के पढ़नी चाहिए एक एक कथा पुरानी सतयुग में एक प्रसंग के हे हरिचंदानी सत के कारण काशी के माँ बिक गए तीन प्राणी मात पिता बेटा बेटी का यू सत पल्या करे से बेटा बेटी मात पिता के कहे मैं चला करे से रक्षा करा करे रे राजा रक्षा कर पर जाति सिख धर्म की राही वेद शास्त्र का वर्णन कर कर ले खूब भलाई पिता के जुम्मे फर्ज पूत का लायक करे पढ़ाई पूत सुपातर शर्म करे इसी कुल की रीत बताई बाप कन्यारा बेटा चल दुख ना टला करे से बेटा बेटी मात पिता के पहे न चला करे से करी लड़ाई देवताओं से बाप तेरा बलवान सा उसके हुक्म के बाहर चले से बिगड़ रहे आज्ञा नहीं सा
तुझ में इतना बल को ना क्यों कर रहा से अभिमान सा, फिर ना कुछ की हार करे बता के होगा भगवान सा। श्री लक्ष्मी चंद के तेरा बाप तेरी खातर भला करे से, ये बेटा बेटी माते पिता के कहे में चला करे से। प्रेमी सजनों की सेवा में चेतक केसरी के माध्यम से प्रह्लाद भगत का पहला भाग यहीं पर समाप्त किया जाता है। श्रोताओं जय हिंद जय भारत।